हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा ये रिवीजन चालू कर रहे हैं अपन। जीएसटी के एक टॉपिक का रिवीजन है ये बेटा, जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। एज यू ऑल नो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आप मान के चलिए कि इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो काफ़ी डिमांड आया था बच्चों का कि सर एक बार रिविज़न करवा दीजिए आईटीसी चैप्टर का। तो मैं अब आपके लिए आईटीसी चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ। बेस बनाए गए आपके नोट्स को, जो क्लास में मैंने आपको लिखवाए थे, तो आप उसी नोट्स के हिसाब से इसको रिवाइज करेंगे और होप आपके लिए ये फायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक ज़रूर करना, पब्लिकली वीडियो डलने वाला है तो इसलिए लाइक की आशाएं रहेगी। प्लीज़ बेटा लाइक और कमेंट भी अगर अच्छा लगे तो कर देना, आपके टीचर हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर आप तारीफ कर भी देंगे तो। चलिए जी, तो चैप्टर चालू करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेटा इसकी शुरुआत में करूँ मैं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, एज यू ऑल नो, आपको पता है कि जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचते हैं तो दो टाइप के रजिस्ट्रेशन आपने जीएसटी में देखे हैं। एक को हम कहते हैं रेगुलर स्कीम वाला रजिस्ट्रेशन और एक को हम कहते हैं कंपोजिशन वाला रजिस्ट्रेशन। आपको अच्छी तरह से पता होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक कंपोजिशन एक रेगुलर। कंपोजिशन वाले जो लोग होते हैं बेटा, वो लोग अपने इंडिविजुअल सप्लाई का जीएसटी पे नहीं करते, वो अपने पर्टिकुलर क्वार्टर का जो भी सप्लाई होता है या टर्नओवर होता है उसका परसेंटेज पे करते हैं, जिसे हम कंपोजिशन टैक्स कहते हैं, सबको पता होगा। और रेगुलर स्कीम वाले जो लोग होते हैं बेटा, उनको जीएसटी पे करना होता है इस तरीके से, दैट इज ओ माइनस आई। आप सभी को पता है ओ का फुल फॉर्म होता है आउटपुट टैक्स, आई का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स। तो आउटपुट में से इनपुट घटाकर जो टैक्स बचता है उसे वो नेट पे करते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो आपको ये भी पता है कि आई मतलब यहाँ पे होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको आई कैलकुलेशन से रिलेटेड कानून क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैसे वो आईटीसी कैलकुलेट किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी। सबसे पहली बात यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल और केवल ऐसे रजिस्टर्ड लोगों को मिलेगा जो कि रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। कंपोजिशन वालों को कभी भी आईटीसी मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। आपको याद होना चाहिए कि जब मैंने आपको ये चैप्टर की शुरुआत कराई थी तो मैंने आपको सबसे पहले सेक्शन 16(1) बताया था, जो कि आता है किसे आईटीसी मिल सकता है, एलिजिबिलिटी ऑफ टेकिंग आईटीसी। तो आईटीसी किसे मिल सकता है, इसके लिए आपका फोकस होना चाहिए, नंबर 1 केवल रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिलेगा, नंबर 1 केवल रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिलेगा, और गुड्स या सर्विस के ऊपर चुकाए गए जीएसटी का आईटीसी मिलता है। यानी कि बिजनेस के लिए अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करी है तो उस परचेज किए गए गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स आपने पे करा है आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, आगे मैंने आपको बोला था कि टेक्निकली जो गुड्स या सर्विसेज आप परचेज करते हैं उनको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। या तो वो खरीदे गए गुड्स या सर्विस, या तो वो खरीदा गया गुड्स इनपुट होगा या कैपिटल गुड होगा, और सर्विस को हम कहते हैं इनपुट सर्विस। तो मैंने नेक्स्ट आपको 3 चीज़ों का लीगल मीनिंग बताया, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज कैपिटल गुड, व्हाट इज इनपुट सर्विस। तो व्हाट इज इनपुट, याद करिए डेफिनेशन क्या थी। इनपुट का मतलब होता है ऐसे सभी गुड्स जो कि कैपिटल गुड्स नहीं हैं, अदर देन कैपिटल गुड जो कि बिजनेस में काम आते हैं। कैपिटल गुड के अलावा के सभी गुड्स इनपुट कहलाएंगे जो बिजनेस में काम आते हैं, और ऐसे गुड्स जो कि बिजनेस में काम तो आते हैं पर जिनकी वैल्यू आपने बुक्स में क्या कर दी है, कैपिटलाइज, उन्हें आप कैपिटल गुड कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें आप बेटा, कैपिटल गुड कहेंगे। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता हूँ और मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए 2 मशीनें खरीद के लाया और उन मशीनों की वैल्यू को मैंने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, तो वो मशीनें कैपिटल गुड कहलाएगी। पर उसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं कच्चा माल लेके आया, रॉ मटेरियल लेके आया, तो रॉ मटेरियल की खरीदी गई वैल्यू को मैं बुक्स में कैपिटलाइज नहीं करूंगा, इसीलिए वो इनपुट है। टेक्निकली देखा जाए तो कैपिटल गुड और इनपुट दोनों के ऊपर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। तो पर लीगली मीनिंग अलग अलग है, पर दोनों का क्रेडिट मिलता है, चाहे इनपुट हो चाहे कैपिटल गुड हो। इसी तरह से ऐसी कोई भी सेवा जो मैंने बिजनेस के लिए परचेज करी उसे मैं इनपुट सर्विस कहूँगा। 2(60), ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई। फिर मैंने आपको बोला एलिजिबिलिटी पढ़ाने के बाद, 16(1) पढ़ाने के बाद, 16(2) था आईटीसी अवेल करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशंस पूरी हुई है तो ही आईटीसी अवेल किया जा सकता है, अदरवाइज आईटीसी अवेल नहीं किया जा सकता है। नंबर 1 कंडीशन, रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी केवल तभी अवेल कर सकता है जब 4 कंडीशंस पूरी होती है बेटा।
चार कंडीशन में याद करिए, पहली कंडीशन 16-2A रीड विद रूल 36 ऑफ द सीजीएसटी रूल। नंबर वन कंडीशन कि अगर आपको आईटी से अवेल करना है तो आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या? ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस में आप ये प्रूव कर सकते हो कि साहब मैंने खरीदे गए माल पे जीएसटी दिया था। क्योंकि क्रेडिट किसका मिलता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट किस टैक्स का मिल सकता है? याद करिए मैंने आपको कहा था कि आप केवल उसी टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं जो जीएसटी के तहत लगे हों, यानी कि सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का। यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर कोई गुड्स या सर्विसेज आपने इम्पोर्ट करी है तो इम्पोर्ट की गई गुड्स एंड सर्विसेज पे जो आईजीएसटी आप पे करते हो आप उसका भी क्रेडिट ले सकते हो, पर खरीदे गए माल पे कंपोजिशन टैक्स जो आप पे करते हो उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका मिल सकता है, ये भी आपको बताया था मैंने, तो ध्यान रखेंगे। तो आपने टैक्स दिया है, इसका आपके पास सबूत होना चाहिए, और सबूत के लिए पहली कंडीशन है कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे नाम लिखवाए थे। नंबर वन डॉक्यूमेंट इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, नंबर था इनवॉइस इशूड बाय द रिसीपेंट। याद करिए मैंने आपको क्या बोला था कि रिवर्स चार्ज के केस में हो सकता है कि जो सप्लायर है रिवर्स चार्ज वाला वो अनरजिस्टर्ड हो, तो इन दैट केस रिसीपेंट को इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई का। तो उस रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई के इन्वॉइस के बेसिस पे भी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए दो टाइप के इन्वॉइस थे, डेबिट नोट हो गया, बिल ऑफ एंट्री जो कि कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग आप इम्पोर्ट के समय जीएसटी चुकाते हैं उस समय देते हैं वो हो गया, रिवाइज इन्वॉइस हो गया, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा इशू किए गए डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे, याद करिए इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, पर कौन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कैसे काम होता है, ये आपके इंटर के कोर्स में नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई डिस्कशन का लॉजिक बनता नहीं है। अगला टॉपिक, मैंने आपको कहा था कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उनमें कम से कम ये डिटेल मिनिमम होनी चाहिए। कौन कौन सी डिटेल? सबसे पहले कितना टैक्स चार्ज किया है, नंबर दो डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर एंड रिसीपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंटर स्टेट सप्लाई है। तो ये सब डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं, डिटेल होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट में। अगर डॉक्यूमेंट है पर डिटेल नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट किसी काम नहीं आएंगे। तो डॉक्यूमेंट भी चाहिए और मिनिमम ये डिटेल होनी चाहिए। आगे आइए आपके पास, आगे मैंने आपको कहा था कि जब, हाँ तो मैंने आपको अगला कॉन्सेप्ट याद है, आपको ये समझाया था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई आप गुड्स खरीदते हो तो देखो ध्यान से सुनेंगे, एक सप्लायर है, एक रिसीपियर है, रिसीपेंट है। क्रेडिट कौन ले रहा है? रिसीपेंट ले रहा है। रिसीपेंट जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस में क्रेडिट ले रहा है वो इशूड बाय सप्लायर है, नॉर्मली डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस होता है। अब आगे का लॉ आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले जो भी सप्लायर ने रिसीपेंट को टैक्स इनवॉइस इशू किए होते हैं, सप्लायर उन टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स अपने एक रिटर्न में शो करता है जिसे कि हम GSTR 1 कहते हैं। GSTR 1 में जो इनवॉइस सप्लायर अपलोड करेगा उसी का ITC GSTR 2A या 2B के थ्रू रिसीपेंट की GSTR 3B यानी कि ITC की लेजर में शो होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, रिटर्न वाले चैप्टर में भी आपने ये सब कॉन्सेप्ट देखे होंगे। तो अब हुआ क्या, मान लीजिए कि एज ए रिसीपेंट मैंने सप्लायर से गुड्स परचेज करा, मेरे पास उसका टैक्स इनवॉइस है, पर रिसीपेंट ने वो टैक्स इनवॉइस अपलोड ही नहीं करे। तो क्योंकि उसने वो अपलोड नहीं करा अपने रिटर्न में, तो ड्यू टू दैट नॉट अपलोडिंग मेरे पास वो ITC शो नहीं हो रहा होगा। क्या मैं ऐसा ITC जो कि अनअपलोडेड इनवॉइसेस का है क्या उसको भी क्लेम कर सकता हूँ? तो याद करिए बेटा, मैंने आपको कहा था कि जो ITC इनवॉइस अपलोड हो गए हैं सप्लायर के द्वारा अपने GSTR 1 में, और उसका तो आप 100% ITC क्लेम कर सकते हैं, पर जो अपलोड नहीं हुए हैं उसका आप 5% ऑफ एलिजिबल ITC अवेल कर सकते हैं। इसमें अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट के लेक्चर में अभी आपको रिसेंटली पता पड़ जाएगा, बहुत से बच्चों को पहले ही मैंने अपडेट बता दिया था, तो अभी भी उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। तो फाइनली ये लॉजिक क्या बैठा था कि जो इनवॉइस अपलोड कर दी है उसका तो 100% ITC मिलना ही है मेरे को, और जो इनवॉइस मेरे सप्लायर ने अपलोड नहीं करे उसका मैं पूरा ITC अवेल नहीं कर सकता, 5% ऑफ एलिजिबल ITC अवेल कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, तो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन नहीं है, ये केवल थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट रिविजन है केवल। आगे हमारे सामने जो टॉपिक था वो ये था कि मैं ITC क्लेम नहीं कर सकता ऐसे टैक्सेस का जो कि डिमांड के कारण मैंने पे करे हैं ड्यू टू फ्रॉड। तो ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है रूल 36 से। कंडीशन 1 खत्म हो गई थी, कंडीशन 2 की तरफ चलते हैं। कंडीशन 2 हमारे पास थी
कि गुड्स का रिसीट होना जरूरी है, जिस गुड या सर्विस का मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ वो गुड या सर्विस रिसीव होना जरूरी है, अगर गुड या सर्विस रिसीव नहीं हुआ है तो क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। इसी दौरान मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बिल टू शिप टू मॉडल, होप आपको याद होगा कि मैंने किसी से गुड खरीदने का ऑर्डर दे रखा है और वही ऑर्डर मेरे को किसी और से खरीदने का मिल गया, तो मैं डायरेक्टली सप्लायर से गुड्स खुद लेने की बजाय सीधे उसको पहुंचा दूंगा, तो अगर मैंने सीधे उसको पहुंचा दिया तो क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं? तो याद करिए मैं ले सकता हूं, मान लिया जाएगा डीम टू बी रिसीव्ड, याद करिए बिल टू शिप टू मॉडल का एग्जाम्पल मैं आपको दिया था। आगे 16(2)(c) तीसरी कंडीशन होती थी कि क्रेडिट लेने के लिए जो टैक्स है वो एक्चुअली गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए, और 16(2)(d) लास्ट कंडीशन होनी थी कि रिटर्न फाइल होना जरूरी है, यानी कि ITC क्लेम करने के लिए मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं क्लेम नहीं कर सकता। अगर ये चार बातें पूरी हुई है तो ही मैं क्रेडिट अवेल कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता। ये सेक्शन 16(2) की कंडीशन है। यहाँ पे फिर मैंने आपको कहा था कि 16 में दो बातें आ जाती है, एक तो पहले मैं एलिजिबिलिटी चेक करूंगा, अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मैं क्रेडिट लेने के लिए खड़ा हूँ। अब अगर मैं खड़ा हूँ तो फिर कंडीशन पूरी है तो ही क्रेडिट मिलेगा, मैं एलिजिबल हूँ पर कंडीशन पूरी नहीं हो रही क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ तो कंडीशन चेक करने का लॉजिक ही नहीं क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो एलिजिबल हूँ और कंडीशन पूरी है तो जाके क्रेडिट मिलेगा। ये मेरा फाइनल कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझाया था। तो कंडीशन मेरे सामने चार थी। इसके बाद 16 की रेसिडरी पॉइंट आपके सामने आते थे, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि सर आपने कहा था गुड रिसीव होगा तो क्रेडिट मिलेगा, मान लीजिए कि वो गुड्स रिसीव तो हो रहा है पर वो लॉट में हो रहा है, तो क्या पहला लॉट मिलते ही मान लेंगे कि रिसीव हो गया, क्रेडिट अभी दे दोगे फर्स्ट टाइम पे कि लास्ट लॉट के समय दोगे? तो मैंने आपको क्या कहा था कि लॉट में जो माल आता है उसका क्रेडिट लास्ट लॉट के टाइम पे लिया जा सकता है। जस्ट रिविजन है बेटा, तो इसलिए बहुत क्विकली मैं सब चीज़ों को समझाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट को बारीकी से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी मैं क्लास में बहुत समझाया था, बहुत क्वेश्चन करवाया था, केवल रिविजन है ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले भी फटाफट से रिवाइज कर पाए। आगे मेरे सामने 16(3) में मैंने आपको बोला था कि अगर कोई कैपिटल गुड मैंने खरीदा है और उस कैपिटल गुड के ऊपर जो GST मैंने पे करा है उसका मैंने कॉस्ट में जोड़ के डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया इनकम टैक्स में, तो डेप्रिसिएशन अगर क्लेम कर लूंगा टैक्स एलिमेंट में तो उस टैक्स एलिमेंट का मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। क्रेडिट लेना है तो डेप्रिसिएशन छोड़ना पड़ेगा, या डेप्रिसिएशन लेना है तो क्रेडिट छोड़ना पड़ेगा, ऐसा लॉजिक आपके सामने था। नेक्स्ट टॉपिक आता था बेटा 16(4), ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि ITC मान लीजिए कि मैंने मई महीने में कुछ परचेज करा, तो मई महीने का ITC मेरे को अवेल करने का जल्दी से जल्दी डेट क्या आता है, 20 जून को क्लेम करते हैं अपन, क्योंकि मई का रिटर्न 20 तारीख तक भरा जाता है अगले महीने की। तो अब क्वेश्चन ये आता था कि अगर सर मान लीजिए कि मैंने मई में माल खरीदा, क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है, मेरे को लगता है कि क्रेडिट मिलना चाहिए पर अभी दिल कह रहा है कि यानी कि कुछ मेरे को लीगल एडवाइस लेनी है, तो अगर मैं मई के ITC का क्रेडिट हाथों हाथ अवेल ना करूँ, बाद में कभी अवेल करना चाहूँ तो क्या मैं बाद में भी अवेल कर सकता हूँ? क्या कोई लास्ट डेट है ITC अवेल करने की? तो याद करिए बेटा मैंने आपको कहा था यस ITC अवेल करने का एक लास्ट डेट होगा, और वो लास्ट डेट आपके सामने मैंने आपको बोला था अगले साल का सितंबर महीने का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, दैट इज 20 अक्टूबर, सबको पता होगी 39 वाला रिटर्न, और दूसरा डेट होता था एनुअल रिटर्न फाइल करने का डेट विच एवर इज अर्लियर, ये आपकी लास्ट डेट होती थी ITC अवेल करने की, लास्ट डेट MCQ आ सकता है इसके ऊपर। आगे नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि एक सेकंड प्रोविजन ऑफ 16(2) था रीड विथ रूल 37 ऑफ CGST, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था, याद है मैंने आपको क्या कहा था, एक बार सुन लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि सप्लायर के टैक्स इनवॉइस इशू होने की 180 डेज के अंदर अगर मैं पेमेंट नहीं करता सप्लायर को, सप्लायर के टैक्स इनवॉइस इशू होने के 180 डेज के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं किया जाता विद GST सामने वाले को, तो जितना क्रेडिट मैं अवेल कर चुका हूँ उसे रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम। तो ये आपका काम था जो कि आपको हो बा याद होगा कि कैसे याद करना है, पर इस प्रकार के रिवर्सल की जरूरत नहीं है दो केसेस में, अगर मेरी सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली है या फिर मेरी सप्लाई शेड्यूल 1 वाली है, दैट इज डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन जिसे सप्लाई माना जाता है, तो दो केसेस में ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तो ये बेटा आपका 16 का पूरा सीन था, तो सेक्शन 16 के हिसाब से ये आपका हिसाब किताब बनता था। अगला सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था आपको याद होगा 17 आता था, और सेक्शन 17 के अंदर मैं आपको क्या बताता था याद करिए, सेक्शन 17 में डिस्कस किया जाता था कि ITC ब्लॉक कब कर दिया जाता है, या ITC अवेल करने वाली चीज को ब्लॉक कब किया जाता है, ब्लॉक्ड क्रेडिट ऑफ ITC। तो होप आपको याद होगा ब्लॉक क्रेडिट ऑफ ITC का कानून, ब्लॉक्ड क्रेडिट, ध्यान दे बेटा। 17(5)
कौन कौन से गुड्स या सर्विसेज ऐसी है जिसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, ध्यान रखना कौन कौन से गुड्स या सर्विसेज ऐसी है जिसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। तो पहला आइटम मेरे सामने आता था जिसको मैं कहा करता था मोटर व्हीकल, याद करिए एक सेकेंड। हाँ जी बेटा, तो पहला आइटम आता था मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस, तो याद करिए 17(5)(a) फर्स्ट आइटम जिसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, मोटर व्हीकल, अदर कन्वेंस और उससे रिलेटेड कुछ सेवाएं। ठीक है, तो एक बार आइए फटाफट से। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कौन कौन से मोटर व्हीकल का आप क्रेडिट नहीं ले सकते, तो मोटर व्हीकल जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में काम आता है और जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर या उससे कम होती है इंक्लूडिंग ड्राइवर, 13 या उससे कम पैसेंजर की कैपेसिटी वाले व्हीकल्स का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता जीएसटी में। अब ऐसे बोल देता हूँ, 13 या उससे कम पैसेंजर वाले गाड़ियों का क्रेडिट नहीं ले सकते, पैसेंजर गाड़ियों का। ठीक है, यानी कि गुड्स वाले ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियों का क्रेडिट पूरा मिलेगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ऑलवेज ध्यान रखना। ठीक है, नंबर दो, इसी के एक्सेप्शन होते थे, मैंने आपको कहा था कि अगर बाय चांस गाड़ी इनएलिजिबल है पर पर्पस एलिजिबल है तो भी मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। मान लीजिए कि एक मेरे पास पैसेंजर गाड़ी है जिसमें 10 आदमी बैठ सकते हैं पर मैं उस गाड़ी का यूज सही पर्पस में कर रहा हूँ तो मैं क्रेडिट ले सकता था। पर्पस कौन कौन से थे सही? नंबर वन, पर्पस फर्दर सप्लाई के लिए यूज करूँ तो मिल जाएगा। नंबर दो, ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर सेवा के लिए करूँ तो मिल जाएगा। नंबर तीन, वो ट्रेनिंग ड्राइविंग सिखाने वाली सेवा के लिए करूँ तो मिल जाएगा। तीन चीज़ें आपके सामने थी। मोटर व्हीकल में शामिल नहीं करना है फिक्स्ड रेल और व्हीकल रनिंग ऑन फिक्स्ड रेल, इसको शामिल नहीं करना है। ऐसे सभी व्हीकल जो कि यूज किए जाते हैं फैक्ट्री में या उसके आसपास की प्रेमाइसिस में, यानी कि ये सभी एलिजिबल व्हीकल्स माने जाएंगे बेटा, ध्यान रखना, भले पैसेंजर के काम आते हो, मोटर व्हीकल एक्सक्लूड है ये, ध्यान रखना। तो ये मोटर व्हीकल नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो आप, दैट मीन्स। इसी तरह से ऐसे सभी व्हीकल जो 4 पहिया से कम है, 3 व्हीलर 2 व्हीलर, बशर्ते उनका इंजन कैपेसिटी 25 cc तक का है, यानी कि मैंने आपको कहा था जैसे बाइसिकल खरीदी, मान लीजिए मैंने बिजनेस के लिए 10 बाइसिकल खरीदी है जिसमें मैंने जीएसटी चुकाया है तो मैं बाइसिकल के ऊपर चुकाया गया जीएसटी का क्रेडिट ले सकता हूँ। या कोई 2 व्हीलर खरीदा है जिसका इंजन कैपेसिटी 25 cc से कम है तो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। तो ये आपको मैंने इसके अंदर समझाया था। नंबर दो, गाड़ियाँ इसी तरह से मोटर व्हीकल के साथ, अब मैं वेसल एयरक्राफ्ट के ऊपर चुकाई गई जीएसटी का भी क्रेडिट नहीं ले सकता, पर वही बात है, अगर वेसल एयरक्राफ्ट को मैंने एलिजिबल पर्पस में यूज़ किया तो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। नंबर वन, पर्पस फर्दर सप्लाई में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में, ट्रेनिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो मैं वेसल एयरक्राफ्ट के ऊपर चुकाई गई जीएसटी का भी क्रेडिट ले सकता हूँ। लॉजिक हमेशा ध्यान रखेंगे, गाड़ी अगर इनएलिजिबल है पर पर्पस एलिजिबल है क्रेडिट मिल जाएगा, गाड़ी इनएलिजिबल पर्पस भी इनएलिजिबल क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये सेंस है आपको ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान रखेंगे। गाड़ी एलिजिबल है तो पर्पस गए भाड़ में वैसे ही क्रेडिट मिलने वाला है, ये सोच चल रहा है आपको। चलिए, इसी तरह से तीसरा मैंने कहा था कि अगर इन्हीं जो गाड़ियां, मतलब गाड़ी के लिए अगर मैंने ये सेवाएं ली, इंश्योरेंस की सेवा, सर्विसिंग की सेवा, रिपेयर की सेवा, मेंटेनेंस की सेवा, तो उन गाड़ियों के ऊपर ली गई इन सेवाओं का क्रेडिट भी मैं नहीं ले सकता अगर गाड़ी इनएलिजिबल है। अगेन वही बात है कि मान लीजिए कि मेरे पास, मैंने कोई कार खरीदी है जिसमें कि 5 पैसेंजर वाली गाड़ी होगी, 5 आदमी बैठ सकते हैं। अब आपको पता है कि 5 पैसेंजर की सिटिंग कैपेसिटी वाली गाड़ी इनएलिजिबल है, पर्पस भी इनएलिजिबल है जिसमें मैं यूज़ करूँगा, तो अब उस गाड़ी का रिपेयर इंश्योरेंस के लिए अगर मैं सेवा लूँगा तो क्रेडिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने कोई एक मारुति की ब्रीजा कार खरीदी है, अब मारुति ब्रीजा खरीदी, ऑब्वियसली वो इनएलिजिबल गाड़ी है, पर्पस भी इनएलिजिबली मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस ब्रीजा का मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, उस ब्रीजा का मैं सर्विसिंग करा रहा हूँ, रिपेयर करवा रहा हूँ, तो उस सेवाओं के ऊपर चुकाए गए जीएसटी का भी मैं क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है आपके सामने। पर मान लीजिए मैंने गाड़ी खरीदी ब्रीजा, पर उसको मैं ड्राइविंग के लिए ये काम में लूँगा, ड्राइविंग स्किल सिखाने के लिए काम में लूँगा, तो इन दैट केस क्या हो गया, गाड़ी भले इनएलिजिबल है पर पर्पस तो एलिजिबल हो गया बेटा, और क्योंकि पर्पस एलिजिबल हो गया तो उसके ऊपर चुकाए गए जीएसटी का मैं क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने की बातचीत थी, यही मैंने आपको आगे समझाया था। और मैंने कहा था कि अगर बाय चांस ये मैन्युफैक्चरर ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, मतलब मान लीजिए कि मारुति, अब मारुति जो गाड़ी बना रहा है वो गाड़ी पैसेंजर वाली गाड़ियां हैं और सब 13 से कम वाली सीटिंग कैपेसिटी की गाड़ियां हैं, पर मारुति तो मैन्युफैक्चरर है गाड़ियों का, वो तो गाड़ी खरीदता नहीं होगा, तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मान लो सर्विसिंग खरीद रहा है, इंश्योरेंस की सेवा वगैरह कुछ खरीद रहा है, तो वो क्रेडिट ले सकता है, उसको ब्लॉक में नहीं डालेंगे आप। इसी तरह से कोई इंश्योरेंस कंपनी ही अगर कोई ये सेवा लेती है, मान लो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस कर रखा है, अब वो गाड़ी खराब हो गई
वो गाड़ी खराब हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी है अगर मेरी, तो इंश्योरेंस कंपनी का काम ही होता है कि गाड़ी में अगर कुछ भी होगा तो पैसा मेरे को देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मैंने सर्विसिंग की सेवा ली, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ और मैं सर्विसिंग की सेवा ले रहा हूँ, तो भले गाड़ी इनएलिजिबल है पर मैं क्रेडिट ले सकता हूँ क्योंकि सेवा लेने वाली खुद एक इंश्योरेंस कंपनी है, और मैं उन गाड़ियों के लिए ये सेवा ले रहा हूँ जो कि मैंने इंश्योर करी है, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। इसी तरह से अगर मैंने कोई लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सेवा ली है, कौन सी, वही जो कि इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है, तो मैं उन गाड़ियों के ऊपर चुकाया गया इन सेवाओं का भी क्रेडिट नहीं ले सकता, पर आगे वही काम है। अगर मेरा काम ही लीजिंग का है, मतलब मान लीजिए कि मैं टैक्सी चलाने का काम करता हूँ, अब अगर मैं टैक्सी चलाने का काम करता हूँ तो गाड़ी जो मैं खरीदूंगा वो गाड़ी एलिजिबल है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर में काम आ रही है, गाड़ी एलिजिबल है। पर याद करिए मैंने क्या कहा था, मान लीजिए कि मैं टैक्सी का काम करता हूँ पर मैं गाड़ी की जरूरत है, मेरे को किसी पैसेंजर को लेके जाना है भीलवाड़ा से मान लीजिए कि जयपुर लेके जाना है, और मेरी गाड़ी अभी सारी की सारी बुक है, तो मैंने किसी दूसरे किराए पे देने वाले की गाड़ी किराए पे लेकर उसको छोड़ दिया, तो मैंने अब हायरिंग की सेवा ले ली, तो मैं तो क्रेडिट ले सकता हूँ क्योंकि मैं हायरिंग की सेवा ले रहा हूँ, जिस गाड़ी को मैं हायर कर रहा हूँ वो भी इनएलिजिबल है, पर मैं तो किस पर्पज में यूज कर रहा हूँ, फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। ये सब मैंने आपको उसके अंदर समझाया था, तो ये आपके सामने पहली चीज है बेटा। आगे 17.5 B आया था, 17.5 B का पहला पॉइंट मैंने आपको बोला था कि मैं फूड एंड बीवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विस, ब्यूटी एंड ट्रीटमेंट सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, इन सभी सेवाओं का कोई क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ। एक्सेप्शन कब ले सकता हूँ, अगर मैं फर्दर सप्लाई में काम लूँ तो ले सकता हूँ, और नंबर दो, अगर एम्प्लॉयर ये सेवा एम्प्लॉय को देता है अंडर स्टैचुरी ऑब्लिगेशन तो भी क्रेडिट लिया जा सकता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं फटाफट से, जैसे मैं मान के चलता हूँ मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, अब बिजनेस करने के दौरान मान लीजिए कि मेरे, हाँ तो मान लीजिए कि मेरी ऑफिस है, ऑफिस में क्या हुआ कि बेटा मेरे कोई क्लाइंट है और क्लाइंट आउट ऑफ सिटी से आए, तो उनको मैंने खाने पीने यानी कि उनका दिन का लंच में सब मैंने ही ऑर्गेनाइज करा, तो मैंने फूड एंड बीवरेजेस उनके लिए मंगवाया, अब जो भी मैंने खाना उनके लिए मंगवाया वो खाना बिजनेस में काम आ रहा है, गुड्स तो खरीदा है बिजनेस में काम आ रहा है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखो तो 16 के हिसाब से मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, अगर कोई गुड्स या सर्विस में बिजनेस के लिए खरीदूंगा तो क्रेडिट मिलना चाहिए, पर जो चीज़ मैंने खरीदी उसका नाम बोलिए क्या है बेटा, फूड एंड बीवरेजेस नाम है, क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ फूड एंड बीवरेजेस, तो फूड एंड बीवरेजेस के ऊपर चुकाया गया GST का बेटा क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि फूड एंड बीवरेजेस एक ब्लॉक क्रेडिट का आइटम है, तो ये आपके सामने का लॉजिक था इसके अंदर। इसी तरह से मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की सेवाओं का भी मैं क्रेडिट ले सकता, पर इसका भी वही एक्सेप्शन है, अगर एम्प्लॉयर ये सेवाएं अपने एम्प्लॉय को स्टैचुरी ऑब्लिगेशन के लिए देता है तो क्रेडिट लिया जा सकता है। इसी तरह से कोई भी ट्रैवल बेनिफिट जो कि मैंने अपने एम्प्लॉय को दिए हैं वेकेशन के लिए, उसका भी मैं से क्रेडिट नहीं ले सकता, पर अगर स्टैचुरी ऑब्लिगेशन है तो ले सकता हूँ। तो ये 17.5 B था। नेक्स्ट आता था मेरे सामने 17.5 C, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बेटा क्या होती है, याद करना, मेरा फर्म CBIFC, जो मैं इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेता हूँ, कंपोजिट सप्लाई शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 सॉरी, सर्विस मानते हैं जिसको, मैं मान के चल रहा हूँ सबने मेरे से पढ़ा हुआ है वीडियो में तो उनको याद आ जाएगा यह कॉन्सेप्ट क्या था। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवाओं के ऊपर चुकाया गया GST का भी मैं क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, अगर वो मैंने इमोबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदी है, कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदी है, पर अगर मैं फर्दर सप्लाई के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सेवा खरीदता हूँ तो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। फर्दर सप्लाई समझ ही होगे, मैं खुद ही ठेकेदार हूँ इसलिए मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सेवा ले रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ क्रेडिट। इसी तरह से अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी के कंस्ट्रक्शन के लिए ये सेवाएं खरीदी है तो भी मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी में टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन जो कि फैक्ट्री के बाहर है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि टेलीकॉम टावर के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवा खरीदूंगा तो मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो प्लांट एंड मशीन नहीं है, वो इमोबल प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे, इमोबल प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवा लेता हूँ तो क्रेडिट नहीं मिलता है। आगे कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड किया जाता है बेटा रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्ड को आप केवल कंस्ट्रक्शन ना समझे, मान लीजिए कि साहब मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवा ना रिकंस्ट्रक्शन के लिए ली इमोबल प्रॉपर्टी के तो भी नहीं ले सकते, सर मैंने रिनोवेशन के लिए तो भी नहीं ले सकते, एल्ट्रेशन एडिशन सब कंस्ट्रक्शन में शामिल है, पर रिपेयर को कंस्ट्रक्शन तभी मानेंगे जब वो कैपिटलाइज किया हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवा खरीदी है और वो इमोबल प्रॉपर्टी के रिपेयर के लिए खरीदी है, और रिपेयर का खर्चा जो हो रहा है वो मैं बुक्स में कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बाई चांस इमोबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए मैं खुद कोई गुड्स या सर्विस खरीद लेता हूँ वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जगह, मेरे को याद होना चाहिए कि इमोबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन या तो मैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर से करवा सकता हूँ, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट से करवाऊंगा तो गुड्स भी उसका सर्विस भी उसकी,
पर अगर मैं केवल और केवल कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ किसी लेबर से, और गुड्स जो भी चाहिए वो मैं खुद इंडिविजुअली खरीद लूंगा, जैसे सीमेंट लेके आ गया, ईंटें लेके आ गया, तो मैं उन गुड्स या सर्विसेज का भी क्रेडिट नहीं ले सकता। सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मूल प्रॉपर्टी लाई गई है, पापा से बोलता हूँ बेटा, सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मूल प्रॉपर्टी यानी कि सॉरी सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी गुड्स या सर्विस खरीदे गए हैं उनका भी क्रेडिट अपन नहीं ले सकते। पर वही एक्सेप्शन में वो है कि सारे कॉन्सेप्ट वही है कि अगर मेरा काम ही फर्दर सप्लाई का है तो मैं ले सकता हूँ। नंबर दो, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी के कंस्ट्रक्शन के लिए लाता हूँ तो ले सकता हूँ। सेम ऊपर वाले लॉजिक आपको इधर भी अप्लाई करना है। इसी तरह से अब आए थे रिमेनिंग रेसिडोरी टॉपिक्स, इजी इजी वाले। नेक्स्ट हमारे सामने कि ऐसी इनवर्ड सप्लाई जो कि मैंने कंपोजिशन वालों से खरीदी तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता कंपोजिशन टैक्स का। नंबर दो, अगर मैं एनआरटीपी हूँ तो मैं खरीदे गए गुड्स या सर्विस का क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले सकता अगर मैं एनआरटीपी हूँ। लॉजिक ध्यान रखना। पर अगर मैं एनआरटीपी हूँ और मैंने कोई गुड्स इम्पोर्ट कराया तो इम्पोर्ट कराए गए गुड्स पे चुकाए गए जीएसटी का मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। आगे इसी तरह से अगर मैंने कोई भी कुछ खरीदे पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। ठीक है, मतलब ऐसा क्या हो गया समझना कि मतलब जैसे कि मैं मान के चलिए कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे किराने की दुकान है, किराने की दुकान में मैंने बेटा 100 पैकेट मैगी के लेके आया बेचने के लिए, तो अगर मैं बेचने के लिए 100 पैकेट मैगी के लेके आया तो मैगी के ऊपर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट तो मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं तो फर्दर सप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, ब्लॉक क्रेडिट भी नहीं है मैगी तो देखा जाए तो। फूड एंड बीवरेजेस अब याद करना, मैगी एक फूड हो गया, पर फूड ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आएगा क्योंकि फर्दर सप्लाई में काम आ जाएगा, तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए मैगी के ऊपर चुकाए गए जीएसटी का। पर मान लीजिए कि मैं 100 में से 20 पैकेट अपने घर पर ले गया पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो उन 20 पैकेट पे ऊपर चुकाए गए जीएसटी का मैं क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक था इसके अंदर। वेट ए सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से अगला मैंने आपको कहा था, ऐसे गुड्स जो कि डिस्पोज्ड ऑफ कर दिए बाय वे ऑफ गिफ्ट या बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, या लॉस्ट हो गए या स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, या जिनको मैंने राइट ऑफ कर दिया, उनके ऊपर चुकाया गया जीएसटी का भी मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। और ये आपको पहले ही है कि फ्रॉड के केसेस में जो टैक्सेस में पे करूंगा उसका भी मैं कभी क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपका ओवरऑल मिलाकर लॉजिक है। किस चीज का लॉजिक है सर? ये है आईटीसी का, ब्लॉक क्रेडिट का लॉजिक, जो मेन सेक्शन था आपका बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक मैंने बेटा आपको सिखाया था कि जो भी क्रेडिट मेरे पास हैं उसको मैं यूज़ कैसे करूँगा। तो बेटा याद कर लीजिए, मैं फटाफट से इसको डिक्टेट कर देता हूँ कि यूज कैसे करना है। स्टेप वन मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैं IGST का क्रेडिट यूज़ करूँगा, और IGST का क्रेडिट मैं सबसे पहले IGST में यूज़ करूँगा, IGST के ओ में यूज़ करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेन क्वेश्चन आपके इसी मैनर से यूज़ होते सॉल्व होते हैं। तो ITC का क्रेडिट, IGST का क्रेडिट IGST के ओ में सबसे पहले यूज़ करूँगा। इसके बाद बचा हुआ क्रेडिट मैं CGST या SGST या UTGST में कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी मैनर में, किसी भी रेशो में, जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। पर ये करने के बाद IGST का क्रेडिट बिल्कुल लैप्स हो जाना चाहिए। पहले IGST क्रेडिट लैप्स हो जाएगा तभी मैं स्टेप टू में जाऊँगा, वरना स्टेप टू में नहीं जाऊँगा। आगे स्टेप टू में मैं CGST का क्रेडिट यूज़ करूँगा, और सबसे पहले CGST का क्रेडिट मैं CGST के सेट ऑफ में यूज़ करूँगा, CGST के ओ में यूज़ करूँगा। अगर बच जाता है उसके बाद भी क्रेडिट तो फिर मैं इसको बेटा IGST के ओ में यूज़ कर सकता हूँ, ध्यान रख लेना। इसी तरह से फिर मैं SGST का क्रेडिट SGST में यूज़ करूँगा, बच जाता है तो मैं IGST में यूज़ कर सकता हूँ। पर मेरे को यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखनी है कि जब तक CGST का क्रेडिट खत्म नहीं होगा तब तक मैं SGST का क्रेडिट IGST के लिए यूज़ नहीं कर सकता, SGST का क्रेडिट IGST के लिए यूज़ नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया था, बहुत एग्जांपल करे थे, क्वेश्चन करे थे, तो इसके ऊपर मैं और ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। आइए बेटा अगला हमारे सामने टॉपिक आता था रूल 86B। याद करिए, थ्योरेटिकल पॉइंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। किन लोगों पे एप्लीकेबल होता था रूल 86B? ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में कितने रुपये से ज़्यादा की, 50 लाख, उन्हीं लोगों पर लगाना है, बाकी लोगों पे आपको ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो किन पे लगाना है रूल 86B? ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन ए मंथ एक्सीड ₹50 लाख है। टैक्सेबल सप्लाई में जीरो रेटेड सप्लाई आर नॉट निल रेटेड सप्लाई, बट समटाइम गवर्नमेंट व्हेन वी डू सप्लाई टू SEZ, ठीक है। तो टैक्सेबल सप्लाई में जीरो रेटेड सप्लाई और निल रेटेड सप्लाई को आपको नहीं करना है। ये मैंने मीनिंग डिफरेंस समझाया था शायद आपको, जीरो रेटेड और निल रेटेड में क्या फर्क होता है ये आपको याद होगा। आइए, ख्याल
प्रोविजन की आप सुनिए, अगर ये रूल 86 भी लग गया तो जितना भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसका 99% तक ही मैं आईटीसी यूज कर सकता हूं। जितना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसके 99% तक ही यूज किया जा सकता है क्रेडिट को। मतलब मान लीजिए कि मान लीजिए अक्टूबर महीने में मेरा टैक्सेबल सप्लाई 50 से ऊपर हो गया। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये 86 भी मंथ ऑन मंथ बार बार चेक करना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए अक्टूबर महीने में मेरा टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो गया तो रूल 86 भी लग जाएगा। अब मान लीजिए उस अक्टूबर महीने का आउटपुट टैक्स बेटा आ गया है मेरा 20 लाख रुपए और मेरे पास आईटीसी पड़ा है 24 लाख रुपए, तो टेक्निकली तो 1 भी रुपया कैश नहीं देना चाहिए, 20 में से 24 का क्रेडिट है तो देने की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है। पर क्योंकि 86 भी रूल लग गया तो मैं मैक्सिमम आईटीसी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का 99% यूज कर सकता हूँ। तो मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 20 लाख है, 20 लाख का 99% ही मैं यूज कर सकता हूँ, 20 लाख का 1% मुझे फिर मजबूरी में क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट था, इसके एक्सेप्शंस थे, एक्सेप्शंस के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, मैंने आपको बता दिया था, ये अच्छी तरह से समझा दिया था। चलिए आइए, ये सेक्शन 17(5) के रिलेटेड बातें हो गई थी। फिर आता था हमारे सामने लास्ट सेक्शन, टेक्निकली लास्ट सेक्शन होता था 18, स्पेशल केसेस में क्रेडिट कैसे क्लेम करें। 18 क्या था बेटा, स्पेशल केसेस में क्रेडिट कैसे क्लेम करें, कैसे क्लेम करें। आइए इसके अंदर याद है आपको केस वन आईटीसी अवेल वाले केस, फिर आते थे सिचुएशन टू रिवर्सल वाले केस। पहले अवेल वाले केस में आते हैं। केस वन क्या है भैया कि मैं ऐसा बंदा हूं जिसने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है 30 डेज के अंदर अंदर, याद है आपको लाइबल होने के 30 दिन में अप्लाई कर दें और मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल गया बाद में, तो ऐसी परिस्थिति में याद है बेटा मैं प्रॉब्लम बोलता था आपको, मैं आपको क्या बोलता था कि भैया अगर मैं 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर देता हूँ, मान लीजिए मैं लाइबल हुआ, अप्लाई करा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, तो आपको याद है इफेक्टिव डेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कानून था, रूल 10 यहाँ से चालू होती थी। अगर ऐसा होता है लाइबल होने के 30 दिन में अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता तो इफेक्टिव डेट रूल 10 के हिसाब से लाइबल होने के दिन से होती है, और अगर लाइबल होने के दिन से इफेक्टिव डेट है तो बेटा प्रॉब्लम क्या थी कि लाइबल में यहां से हो गया तो इन सभी सप्लाई पे जीएसटी मेरे को देना है, ठीक है ना, पर इससे पहले मैं लाइबल नहीं था, तो लाइबल होने के पहले जो मैंने गुड्स खरीदा उस गुड्स के ऊपर जो जीएसटी मैंने पे करा, मैंने कभी क्रेडिट क्लेम ही नहीं करा, पर वो गुड्स हो सकता है जो मैंने लाइबल होने के पहले खरीदा वो लाइबल होने के दिन तक मेरे पास अनसोल्ड पड़ा हो, जो बिके कब, लाइबल होने के बाद से इफेक्टिव डेट के बाद बिके, तो इफेक्टिव डेट के बाद अगर पुराना माल बिकेगा तो वो बन जाएगा क्योंकि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया हूँ, जबकि क्रेडिट तो मैंने क्लेम ही नहीं करा, तो क्या उस स्टॉक का क्रेडिट दोगे कि नहीं दोगे, तो आपको याद करना बेटा मैंने क्या कहा था कि वो स्टॉक के क्रेडिट के लिए ये आपके स्पेशल केसेस है। तो ऐसे 4 केसेस आते थे, पहला केस मैं आपके सामने ले आया लाइबल होने के 30 दिन में करा, तो इन्होंने कहा कि आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो किसका, इनपुट का जो कि आपके स्टॉक में पड़ा है, या तो एज इट इज पड़ा है या WIP में पड़ा है या फिनिश गुड्स में कंटेन है, बिल्कुल क्लेम कर सकते हो इनपुट का केवल, ठीक है, कौन से दिन के स्टॉक का, जो कि लाइबल होने के दिन के ठीक 1 दिन पहले आपके पास पड़ा है। क्वेश्चन मैंने इसके भी करवाए थे आपको प्रैक्टिकली, ठीक है, सेम सिचुएशन टू केस टू, सेम लफड़ा। अगला मैं वॉलेंट्री रजिस्टर्ड हो रहा हूँ तो वही केस हो गया, वॉलेंट्री रजिस्टर्ड हो रहा हूँ तो रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट यानी कि जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेरे को जीएसटी देना है और पुराना माल पड़ा हुआ है, तो क्या पुराने माल का आप क्रेडिट दोगे यहाँ पे भी, तो केस टू में भी मैंने कहा था बिल्कुल यहाँ पे भी आपको स्टॉक का क्रेडिट मिल जाएगा इनपुट वाले का, जो कि वही एज इट इज पड़ा हो, WIP में पड़ा हो या फिनिश गुड्स में कंटेन हो, मिल जाएगा क्रेडिट। पर कौन से दिन का मिलेगा बेटा, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है उसके ठीक 1 दिन मिलेगा, मैंने कहा था MCQ पूछ सकते हैं डेट की वजह से। तीसरा केस था, पहले मैं कंपोजिशन में था और अब मैं किस में आ चुका हूँ, रेगुलर में, तो जब मैं पहले कंपोजिशन में था तो क्रेडिट लेता ही नहीं था, अब रेगुलर में आ गया तो क्रेडिट लेने लग गया, तो वही बात हो गई, क्रेडिट लेने मिलने चाहिए तो पुराने वाले माल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो स्टॉक में पड़ा हुआ है अनसोल्ड, तो जवाब है हाँ। यहाँ पे तो आपको याद होना चाहिए बेटा इनपुट का भी मिलता था और साथ में किसका भी मिल जाता था, कैपिटल गुड का, तो थर्ड और फोर्थ वाला केस जो है उसमें दोनों का मिलता है, इनपुट का भी कैपिटल गुड का भी, इनपुट का कैपिटल गुड दोनों का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। कौन से दिन का मिलेगा साहब, जिस दिन स्विच करा उसके ठीक 1 दिन पहले के स्टॉक, कौन से दिन का स्टॉक,
स्विच होने के एक दिन पहले दिन का स्टॉक, ठीक है। और इसमें याद करिए कि जब कैपिटल गुड का क्रेडिट आप लोगे, देखो इनपुट का तो पूरा क्रेडिट लेना है जितना दे, मान के चलो कि आपके पास स्विच होने के एक दिन पहले 10,000 किलो इनपुट पड़ा है पुराना वाला खरीदा हुआ, तो उस 10,000 किलो पे जितना जीएसटी दिया पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। पर मान के चलो कि स्विच होने से एक दिन पहले आपके पास 6 मशीनें पड़ी है, तो अब 6 मशीनों का क्रेडिट तो मिल जाएगा, कैपिटल गुड है मशीन, पर वो 6 मशीनों का पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, जितना क्रेडिट उन 6 मशीनों का बना उसमें से 5% पर क्वार्टर क्या करना है, लेस करना है। ये पर क्वार्टर की कैलकुलेशन आपको आती है, मैंने बहुत सवाल इसके ऊपर करा है। क्वार्टर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी आप पूरा कंसिडर करेंगे, क्वार्टर गिनने की तरीका आपको आता है। तो 5% पर क्वार्टर लेस करके जो बचेगा उतना क्रेडिट ले पाओगे कैपिटल गुड के केस में। केस 4, पहले मेरी सप्लाई एग्जेम्प्ट थी बाद में टैक्सेबल हो गई, तो जब सप्लाई एग्जेम्प्ट थी तो क्रेडिट मिलते नहीं थे, बाद में टैक्सेबल हो गई तो क्या पुराने माल का क्रेडिट मिलेगा? हाँ मिलेगा। कौन से दिन का? जिस दिन सप्लाई टैक्सेबल हुई उसके एक दिन पुराने स्टॉक का मिल जाएगा। कौन सा स्टॉक? इनपुट का भी कैपिटल गुड का भी। इनपुट का तो वही पूरा क्रेडिट मिल जाएगा जो भी स्टॉक में पड़ा है, और कैपिटल गुड का वही जितना क्रेडिट मिला था यानी जितना जीएसटी चुकाया उसमें से 5% पर क्वार्टर को क्या कर देना, आपको लेस कर देना। तो वही लॉजिक चौथे में था, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगवाया था, ये जो स्टॉक का आप क्रेडिट ले रहे हो इन चारों केसेस में, वो स्टॉक 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। वन आईटीसी टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। मतलब मान लीजिए कि आपके पास इनपुट पड़ा है 10,000 किलो वो पर्टिकुलर डे का जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हो, पर उस 10,000 किलो में 2,000 किलो माल ऐसा है जो कि 4 साल पहले आपने खरीदा है, तो आप उन 2,000 किलो के ऊपर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि उसका टाइम एक्सपायरी हो चुका है। आप केवल उसी स्टॉक का ले सकते हो जो 1 साल पुराना हो, जिसका इनवॉइस इश्यू हुए 1 साल से ज्यादा ना हुआ हो। ये लॉजिक आपके पास था। आइए, ये मैंने प्रोसीजर बताए थे आपको, नोट 2 और नोट 3, ये आप आराम से पढ़ लेंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और सेम अब आता था सेकंड, ये तो 4 केस तो हो गए बेटा आईटीसी मिलने के, अवेल होने के स्पेशल केस। और फिर 18 में आते थे 2 केस रिवर्सल वाले, मतलब जिसमें क्या होता था पहले क्रेडिट मिलता था पर अब वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वो, तो वो रिवर्सल के 2 केसेस मैंने बोले थे। वो 2 केसेस क्या थे, पहले मैं रेगुलर में था अब मैं कंपोजिशन में चला गया, तो देखो बेटा उल्टा हो गया। फिर रेगुलर में तो क्रेडिट लेता हूँ अब कंपोजिशन में चला गया तो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। और सिमिलरली पहले मेरी सप्लाई टैक्सेबल थी अब सप्लाई एग्जेम्प्ट हो गई, तो इन दोनों केसेस में क्रेडिट रिवर्स करना है। किसका क्रेडिट रिवर्स करना है? इनपुट जो स्टॉक में पड़ा उसका तो पूरा क्रेडिट रिवर्स करना है, और कैपिटल गुड का प्रोरेटा बेसिस में रिवर्सल करना है, ये मानते हुए कि लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड इज 5 ईयर। ये मैंने आपको 5 ईयर का भी लॉजिक इधर समझा दिया कि क्या होता है, ठीक है। आगे तो यानी कि यहां पे रिवर्सल करना है इनपुट का पूरा और कैपिटल गुड का पूरा, और कौन से दिन का ये चाहिए इनपुट और कैपिटल गुड, जिस दिन ये घटना घटित हुई उसके ठीक एक दिन पुराना। मतलब मान लीजिए कि मैं रेगुलर से कंपोजिशन में आ जा रहा हूँ, तो कल जो भी मेरे पास स्टॉक में इनपुट पड़ा था उसके ऊपर जितना क्रेडिट मेरे पास क्लेम कर रखा था पुराना वो पूरा रिवर्स कर दूंगा, और कैपिटल गुड का जितना क्रेडिट क्लेम करा था पूरा रिवर्स नहीं करूंगा, उसका रिवर्सल करते वक्त मैं 5 साल का कॉन्सेप्ट दिमाग लगा कर वो करूंगा, लाइफ 5 साल की पकड़ के रिवर्स करूंगा, ठीक है। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट आ गया था। फिर एक और टॉपिक आता था, याद करिए कि अगर कोई कैपिटल गुड प्लांट एंड मशीनरी मैंने खरीदे और कुछ समय यूज करके मैंने उसको फर्दर आगे किसी को बेच दिया, मशीनें किसी को सेल कर दी, तो उसकी फर्दर सप्लाई के समय पे मेरे को जीएसटी देना है या रिवर्सल करना पड़ता है? कितना देना पड़ता है? तो पहले मेरे को देखना है पेमेंट कितना करना है, जितना मैंने आईटीसी अवेल करा था उन कैपिटल गुड पे माइनस 5% पर क्वार्टर, क्वार्टर सेम वैसे ही निकलेंगे जैसे कि निकाले जाते थे पहले आपके सामने। हाँ, तो बेटा एक अमाउंट तो निकालना है जितना क्रेडिट लिया था उन कैपिटल गुड पे माइनस 5% पर क्वार्टर, जैसे पहले करते थे क्वार्टर वैसे गिनना है, और ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो टैक्स मैंने विच एवर इज हायर पे करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर। और याद करिए एक और कॉन्सेप्ट, रिफ्रेक्टरी बिक्स मोल्ड्स डाइस जिग्स फिक्चर्स अगर एज ए वेस्ट सप्लाई करे स्क्रैप तो फिर वो भी कैपिटल गुड है, फर्दर सप्लाई करे पर एज ए स्क्रैप अगर सप्लाई करे तो आपको वो आईटीसी माइनस 5% करने का जरूरत नहीं है, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो ड्यूटी बनेगा यानी टैक्स बनेगा उतना ही आप दे सकते हो। तो ये आपका एक और कॉन्सेप्ट था। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था कि अगर बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है इन रीजन से, सेल मर्जर वगैरह वगैरह, और लाइबिलिटीज एज इट इज ट्रांसफर हो जाती है नई से पुराने से नए को,
तो जितना भी आईटीसी पुराने वाले का यूटिलाइज पड़ा है वो नए के पास शिफ्ट हो जाता है। और डीमर्जर के केस में प्रोपोर्शनेट करना होता है, आपको बताइए किस रेशो में प्रोपोर्शनेट करना है, असेट ऑफ द न्यू एंड डीमर्जर स्कीम में जो है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। आगे लास्ट टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन खत्म हुआ था बेटा, याद करिए 17(4) रीड विद रूल 38। मैंने आपको क्या कहा था कि बेटा 17 में ना दो कॉन्सेप्ट होते थे, एक तो ब्लॉक क्रेडिट होता था और एक प्रोरेटा यानी कि वो अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट होता था। याद करिए मैंने क्या बोला था कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं एक्सक्लूसिवली तो आपको कभी जीएसटी देना ही नहीं, वो कभी आएगा ही नहीं, तो आप कभी क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते कुछ भी खरीद लो। एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए जो भी आइटम खरीदोगे क्रेडिट नहीं मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदोगे मिलेगा। पर याद करिए मैंने क्या बोला था कि बहुत सारे लोग टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों करते हैं, और मान लीजिए अगर उन्होंने कोई गुड्स या सर्विस खरीदे जो दोनों सप्लाई में कॉमनली काम आते हैं तो फिर उनको क्या पूरा क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा कि प्रोपोर्शनेट मिलेगा। तो मैंने आपको कहा था प्रोपोर्शनेट मिलता है, प्रोपोर्शनेट कैसे करते हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, पर बैंक के केस में एक कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में था। बैंक वाला कॉन्सेप्ट क्या था बेटा कि बैंक की जो सप्लाई है उसमें भी दोनों टाइप की सप्लाई इन्वॉल्व होती है बेटा। बैंक की सप्लाई याद करो एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एंड एडवांस वाली सप्लाई तो एग्जेम्प्ट होती है, पर जो दूसरी सप्लाई है वो टैक्सेबल होती है। तो बैंक की कुछ सप्लाई टैक्सेबल है, कुछ सप्लाई एग्जेम्प्ट है। अब चक्कर क्या हो गया कि बैंक ने अगर मान लीजिए कोई गुड्स या सर्विस खरीदे जो कि दोनों सप्लाई में कॉमनली काम आ रहे हैं तो क्या बैंक वाला पूरा क्रेडिट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? तो याद करिए मैंने क्या कहा था, बैंक के पास ऑप्शन है कि वो क्या करे कि वो जितना आईटीसी अवेल कर सकता है उसका केवल 50% अवेल करे, बाकी को लैप्स कर दे। मतलब मान लीजिए 1,00,000 रुपए का ग्रेड आ रहा है तो क्योंकि वो दोनों टाइप की सप्लाई करता है तो उसको प्रोपोर्शनेटली 50% ग्रेड मिलेगा। 5,00,000 रुपए का ग्रेड है तो 50,000 मिल जाएगा। पर ये 50% वाला रिस्ट्रिक्शन अगर बैंक आपस में ही डिस्टिंक्ट पर्सन के नाते एक दूसरे से सेवाएं लेते हैं तो उस पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे 100% मिल सकता है। तो ये आपके सामने का कॉन्सेप्ट था कि बैंक वाला प्रोपोर्शनेट क्रेडिट कैसे ले सकता है, ऑप्शन है बैंक के पास ऐसा करने का। तो ये आपके इसके भी क्वेश्चन मैंने करवाए थे, हर टॉपिक के क्वेश्चन है, हर टॉपिक का मैंने प्रैक्टिकल सॉल्व करवाया आपको, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो ये बेटा आपका खत्म होता है रिविजन ऑफ चैप्टर आईटीसी। होप एग्जाम के एक दिन पहले आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, केवल इसको सुन लीजिए एक बार तो अच्छी तरह से आपको पढ़ना ही है। जस्ट रिविजन वीडियो है, बहुत बारीकी से डिस्कशन नहीं है, पर फिर भी मेनली जो काम की चीज़ें मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।